नमस्कार दोस्तों, बालाजी किला में आपका स्वागत है। हमारा जो वेबसाइट है वो है jhatpatsolve.in। आप इसके पर जाइए, कोई भी इंक्वायरी है आप वहाँ पे जाके अपनी इंक्वायरी डाल फॉर्म में डाल सकते हैं। और मैं हूँ डॉक्टर अभिषेक झा, आपके साथ जुड़ता हूँ। और हम आज जो डिस्कस करेंगे CSIR नेट लाइफ साइंसेज के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और जो लाइव क्वेश्चन पैटर्न्स हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न्स आते हैं, तीन जो थ्री टाइप्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो पार्ट ए है कंसिस्ट ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, इसमें मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होती है, ये जो होते हैं ये पार्ट ए में होते हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं 15, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप टोटल के टोटल 15 अटेम्प्ट कर दें और गलत कर दें। आप जितने करिए सही करिए, लेकिन ट्राई करिए कि 10 to 12 आप क्वेश्चन सही करें। 2 मार्क्स होते हैं ईच क्वेश्चन के। पार्ट बी आता है, फिर इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, आपको अटैम्प्ट कितने करने हैं 35, इसके भी 2 मार्क्स होते हैं। लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि फिर से इसमें 35 करी क्वेश्चन करिए, 25 से 30 क्वेश्चन आप इसमें अटैम्प्ट करिए, ठीक है। ये एवरेज मान के चलिए कि आप इतने कर लेंगे आराम से। फिर पार्ट सी, इसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, इसका 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन होता है। तो अगर आप इसमें 15 से 20 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो वेरी इजीली आपका नेट क्लियर हो जाएगा। किसका? लाइफ साइंसेस का। पैटर्न वैसे ये सेम रहता है हर एक केमिकल साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, किसी के लिए भी, लेकिन यहाँ पर हम लाइफ साइंसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो मैं लाइफ साइंसेस के बारे में ही बात करूंगा। टोटल 145 क्वेश्चन आते हैं, आपको 75 अटेम्प्ट करने होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं 75 क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हुए, ठीक है, तो जो सिलेबस है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंट्रैक्शन, ये हमारा फर्स्ट यूनिट है। हमें इसके लिए कौन सी बुक कंसिडर करनी चाहिए? जनरली ये क्या किस चीज़ के ऊपर होता है? बायो एनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस, एंजाइम्स। तो इसके लिए हम कौन सी बुक करें? इसके लिए हम बायो केमिस्ट्री के लिए सबसे जो हमारी लेनिंजर है, ठीक है, ये हमारी बाइबल होती है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए ये पोर्शन बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी। दूसरा जो है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, फंक्शन, इसके लिए आप एल्बर्ट्स पढ़ सकते हैं और लॉडिश पढ़ सकते हैं। कोई भी बुक पढ़िए, आपके ऊपर है, बेस्ट बुक्स हैं ये। जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी, वो है फंडामेंटल प्रोसेस, ठीक है। फंडामेंटल प्रोसेस के लिए आप वाटसन पढ़ सकते हैं, बेस्ट बुक है। सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन वगैरह जिसमें होता है, सिग्नलिंग वगैरह के बारे में, ठीक है, तो ये भी आपको लॉडिश में मिल जाएगा, एल्बर्ट्स में मिल जाएगा। उसमें आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, गिलबर्ट्स में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा इसके बारे में एक एक चीज़। प्रोग्राम से रिलेटेड जो एक दो चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, वो आपको एल्बर्ट्स में भी मिल जाएंगी, ठीक है। इसकी जो अगर आपको गिलबर्ट्स में डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जैसे प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं मिलेगी या एजिंग नहीं मिलेगी, तो ये आप एल्बर्ट्स से ले सकते हैं या फिर लॉडिश से ले सकते हैं। उसके बाद सिस्टम फिजियोलॉजी इन प्लांट, इसके लिए आप टेज एंड जीगर पढ़ सकते हैं, बेस्ट बुक है, ठीक है। टेज एंड जीगर प्लांट फिजियोलॉजी के लिए बेस्ट बुक है। जो नेक्स्ट अब हम देखेंगे वो है सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल्स, ठीक है। इसके लिए आप गायटन पढ़ लीजिए, इसमें से CSIR जो इसके ग्राफ्स होते हैं गायटन के, ठीक है, जो इसके ग्राफ्स होते हैं ये यहाँ से डायरेक्ट ले लेते हैं और उसी को क्वेश्चंस फ्रेम करके हमसे पूछते हैं। तो आप देखिएगा, अगर आपके पास कोई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होगा, उसका कोई भी ग्राफ होगा जो कि एनिमल फिजियोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगा, तो जनरली उन्होंने यहीं से लिया होगा, ठीक है। फिर आता है इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इनहेरिटेंस बायोलॉजी क्या होता है? जेनेटिक्स, ठीक है। आप ये गार्डनर से पढ़ लीजिए, बेस्ट है आपके लिए। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा जूलॉजी के लिए जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है, उसके लिए जो बेस्ट बुक है वो है कोटपाल, ठीक है। और भी बुक्स हैं वो आपको मिल जाएंगी और मैं आपको डिस्कस पूरी पूरी लिस्ट डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो हम इसका प्रेजेंट करेंगे हर एक यूनिट के लिए, एक एक यूनिट के लिए कौन कौन से बुक्स रहेंगी वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। फिर आती है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, ओडम रहेगी इसके लिए बेस्ट बुक, और कौन सी रहेगी? PD शर्मा। बेसिक्स के लिए आप PD शर्मा में जा सकते हैं और उससे अबव लेवल के लिए आप ओडम पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले आप PD शर्मा पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप ओडम जा सकते हैं।
उसके बाद जो आप देखिए, जो ये हैं ये मेन यूनिट्स हैं, ठीक है। ऐसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मतलब यही मेन यूनिट्स हैं, और भी हैं, जैसे अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, विल्सन वॉकर वगैरह हैं, उसके लिए आप देख लीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस भी कर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी कर दूंगा। ये हमारी लेक्चरशिप की कट ऑफ है, ठीक है, 47.25%, 33.00%, 39.8%, 31.73%, 28.58%, 25%। ये किसके लिए? हर एक कैटेगरीज के लिए। यहाँ पर CSIR हर बार बताता है कि उसके कितने कितने परसेंटेज हैं, कट ऑफ है फॉर LS एंड GRF। तो ये जो है ये LS के लिए थी, ठीक है, LS के लिए, और ये जो है ये GRF के लिए थी। लाइफ साइंसेस के लिए GRF की 52.50 गई है, 33.75% गई है। ये कब की है आप ये ध्यान रखिएगा, जून 2019 की है, और करीब करीब हर बार कट ऑफ आपकी इतनी ही रहने वाली है, प्लस माइनस 5% का डिफरेंस आता है। मान के चलिए आपको 50% तो लेकर ही आना है अगर आपको पास करना है तो, ठीक है। 43.75%, 35.25%, 31.75%, 25%, जो कि मिनिमम कट गई है किसकी? फिजिकली हैंडीकैप की। तो बायोलॉजी कीड़ा से आप जुड़ सकते हैं, इसके साथ जुड़िए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हमें लिखिए www.jhatpatsolve.in पर, ठीक है, हम आपको असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। ये नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, हमारे जो भी फैकल्टीज हैं उनके बारे में दिया गया है। हम बायोलॉजी ओलंपियाड एंड NTSC के सेपरेट बैचेस भी कंडक्ट करते हैं, ग्रुप डिस्काउंट भी देते हैं, नील कर्म पैकेज है हमारे लिए, IIT JEE का भी पैकेज है। और अगर आपको कोई सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, पूरा पूरा आपको CSIR नहीं पढ़ना है, ठीक है, पूरा आपको CSIR नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई यूनिटी पढ़ना है, जैसे सिर्फ बायोकेमिस्ट्री, हम उसके लिए भी डील करते हैं। आपको ये जो हमारी ऐप आने वाली है और वेबसाइट आ चुकी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था और अभी बता भी रहा हूँ, www.jhatpatsolve.in, इस पे आइए आप इंक्वायरी भरिए। इंक्वायरी भरने के भी आपके चार्जेस नहीं लगेंगे, डायरेक्ट इंक्वायरी भर के भेजिए। आपको हम विद इन 12 आवर्स में आपको सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे जो भी आप हमसे पूछेंगे, ठीक है। ये हमारी फैकल्टीज हैं, डॉक्टर अभिषेक झा जो पोस्ट डॉक कर रहे हैं एम्स से, डॉक्टर दीक्षा ये IJB में रिसर्च एसोसिएट हैं, डॉक्टर दीपक कुमार मिश्रा रिसर्च एसोसिएट एट दून यूनिवर्सिटी, डॉक्टर आकाश PhD स्कॉलर्स एट CSIR IJB, डॉक्टर सुवरचार्या ये PhD एम्स से हैं, डॉक्टर दीपिका ये पोस्ट डॉक एम्स से हैं, ठीक है। तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि आप क्यों ज्वाइन करें, मैक्सिमम बेनिफिट्स एंड मिनिमल चार्जेस, लाइफ टाइम एक्सेस टू स्टडी मटेरियल, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस देते हैं हम, सिंगल सब्जेक्ट और यूनिट वाइज क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। करेंटली जो हमारा मॉनसून है ऑफर है CSIR NET लाइफ साइंसेस के लिए, वो सिर्फ 999 रुपीज़ पर मंथ के लिए है। चाहे आप सिंगल स्टूडेंट हों, चाहे आप 5 के ग्रुप में आए, 999, ओके। आपको मोर देन 350 आवर्स, 350+ आवर्स की आपको कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, ओके। तो आप आइए, हमें ज्वाइन करिए और हमारे साथ एंजॉय करिए। थैंक यू गाइस।